हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप? सुबह ही हो आप? सब ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ। तभी शाम का टाइम हो रखा है, शाम के टाइम मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा, कढ़ाई कर रहे हैं। भोग के लिए हलवा बन रहा है। आज हम रात जगा रहे हैं तो भोग बन रहा है। और यहाँ पर बना रहे हैं नीति का चाय। तो चीनी वगैरह मैंने निकाल दिया, तलवे के लिए घी गर्म हो गया, चीनी निकाल दिया, आटा निकाल लिया मैंने, बादाम कट कर लिया है, कलर मेरा ऊपर रखा हुआ है। लेकिन एक बार मैं सब्जी लेके आती हूँ, गैस में बंद कर देती हूँ। यहाँ पे बन रही चाय और मैं चिस्टर बना रही हूँ सूंठ मसर का। जो लोग जानते हैं उनको तो पता है, वरना सूंठ चीनी और नारियल सब मिक्स करके इलायची वगैरह बनाया जाता है, उसे सूंठ मसर का बोलते हैं। तो यहाँ पर सूंठ मसर का बन रहा है, सूंठ और नारियल मिश्री इलायची, ये बाकी सामान रखा हुआ है यहाँ पे। इसमें मिलेगी चीनी। तो दोस्तों भोग बन चुका है, जोत भी हो चुकी है और भोग देने के लिए देवर जी के बाकी ये पैक कर दिया। सूंठ मसर का प्रसाद और हलवा अलग से पैक करेंगे। और वहाँ पे आ गई है सब्जियाँ, अभी तक नहीं निकाल दिया, खरीद नहीं हुई हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सिस्टर दोबारा से नहाने गई, उसका परदोष का व्रत है तो कथा सुनेगी, काफ़ी लेट हो गया आज उसकी कथा को। और हमारी छुटकी क्या कर रही है, चलते चलते हैं पल्ला ले लेते हैं। पूर्णिमा से बाबा जी हमारे घर जा चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और उनका रात्रि जोगा हो रहा है आज। रात्रि जगा, रात जगा रहे हैं, माता जी को रात्रि जोगा बोलते हैं। लेडीज के द्वारा जगाई जाती है उसको, रात बोलते हैं और आदमी जगाते हैं उसको, जागरण बोलते हैं। तो राम परिवार पूरे माता रानी सब मंदिर में बैठे हुए, जोत चल रही है। सब्जी मैंने बनने के लिए रख दी है, दाल बना रही हूँ। तो आज मैंने दाल चूल्हे पे रख दी है, लकड़ियाँ तो नहीं है फिर भी जोत की थी, थेपटियाँ जलाई थी, बाकी थेपटियों से मैंने दाल बनने के लिए रख दी है। और वहाँ पे हो रहा है पानी गर्म, कपड़े मम्मी ने समेट दिया, थोड़े से कपड़े गीले रह गए थे, दो तीन दिन से धुले आज, कलम गए थे, पल्लू दाम सुबह से पड़ रहा था। और अब बाकी काम निपटा लेते हैं, बहुत सारा काम हो जाता है। अभी मेहंदी भी गोनी है तो वो काम भी कर लेते हैं। प्रसाद तो पैक हो चुका है, देवर जी आते हैं, बाकी लोगों को भी दे आते हैं। और यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया, हमारे रूम की लाइट हो गई है ख़राब, मैंने इसकी वजह से उसने ऑर्डर तोड़ दिया था तो दोबारा से सेट नहीं हुआ अभी तक, तो ऐसे ही लटका रखा है बल्ब, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो अभी बाकी के काम भी निपटाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। खाने में तो अभी टाइम है, पति देव जी करेंगे काम तो लेट आएंगे, नहाएंगे फिर खाना बनाएंगे, तब तक बाकी के काम निपटे लेते हैं। मैंने इसी पढ़ाई करा था, पूरा रूम देखे बिखेर रखा उसने, इधर उधर फेंक रखे सब,